स्विस रोल। स्विस रोल ये बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ ओरियो बिस्किट से, बहुत ही यमी टेस्टी, खाने में भी अच्छा। तो मैंने यहाँ पे लिया ये बिस्किट्स, ओरियो बिस्किट्स 10 रुपये वाले, मैंने कुछ 3 पैकेट लिए थे। और ग्राइंडर में ऑलरेडी मैंने शुगर डाला हुआ है, क्योंकि हमें शुगर भी इसमें डालना है पीसा हुआ, तो एक ही साथ में मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर लिया है और ये बिस्किट, इसको कुछ इस तरीके से बारीक ग्राइंड कर लेना है और इसको 2 या 3 चम्मच मिल्क में, ये पूरे अच्छे तरीके से इसका डो बन जाएगा, क्योंकि बिस्किट में बहुत जल्दी घुल जाता है। तो अगर आप एक साथ में पूरा दूध डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा और गीला हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने इसमें बहुत 3 चम्मच मेरे इसमें मिल्क में ये अच्छी तरीके से इसका डो बन गया था। और अगर ना हो तो आप थोड़ा सा इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में मैंने इसको थोड़ा सा ऑयल भी लिया था, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। और ये इस तरीके से इसका डो बन के तैयार है। इसको करीबन 1.5 से 1 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था, ताकि अच्छी तरीके से जो है इसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाए। फ्रिज में रखने के बाद किसी भी चीज़ का जो टेस्ट है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। और यहाँ पे ये मलाई है, दूध की निकली हुई मलाई मैंने ली है, और इसमें डाला हुआ है मिल्क पाउडर, 1 पैकेट मिल्क पाउडर, बिल्कुल छोटा वाला पैकेट। और अब जो क्रीम से निकली हुई बिस्किट थी वो मैंने यहाँ पर इसको यूज़ कर लिया है। इसमें शुगर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, इसको एक बार अच्छी तरीके से ग्राइंड कर देना है। और यहाँ पे मैंने जस्ट टेस्ट के लिए, नॉट फॉर गार्निशिंग, टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे ये लिया हुआ, ये पान की दुकान में इजीली मिल जाता है, खोपरे का कलरफुल स्वीट्स है होता है, ये बहुत अच्छा लगता है ये टेस्ट में। और इसको वापस से मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अगर आपको इसकी थिकनेस जो है वो थोड़ी सी अगर आपको पतली करनी तो आप इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं वाटर, बट मुझे यहाँ पे बिल्कुल क्रीमी बनाना था, स्विस रोल में जैसा क्रीम होता है उस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम क्रीमी टेक्सचर है इसका, और ये हो चुका है रेडी। मैंने इसको बाउल में निकाल लिया। अब इसको भी मैं एटलीस्ट 2 से 3 घंटे के लिए तो मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी। तो यहाँ पे जो भी अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है, इसको मैंने 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। अब यहाँ पर मैंने ज़िपलॉक बैग लिया है, इस बैग के अंदर मैं ऑयल नहीं यूज़ करूँगी, क्यों, क्योंकि मैंने बिस्किट में ऑलरेडी ऑयल ऊपर से डाला था, और ये बिस्किट जो है इसका जो डो बना है वो ऑलरेडी ऑयल लिया। यहाँ पे बेलन की मदद से इसको अच्छे तरीके से आपको कुछ इस तरीके से पूरा फैला देना है, जैसे रोटी बनाते हो उसी तरीके से। अगर आपको थोड़ा जाड़ा रखना है आप जाड़ा भी रख सकते हैं, पतला रखना है पतला भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ में रखा हुआ है। और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है, प्लास्टिक जो उसके ऊपर की मैंने काट लिया। अब ये जो मैंने फ्रीज़र में जो क्रीम बना करके रखा हुआ था वो क्रीम मैंने यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा यहाँ पे फैला दिया, सब जगह अच्छे तरीके से कोने कोने में। और ये बिस्किट है तो ऑब्वियसली गीला तो रहेगा ही, अब जितना भी फ्रिज में रख के बाहर निकाल लिए थोड़ा सा आपको गीला लगेगा ही, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बहुत ही हल्के हाथ से ये ध्यान में रखते हुए, ताकि टूटे ना, इसको फटाफट गोल करना शुरू कर दिया। गोल करते वक्त रुकना नहीं है, अदरवाइज टूट जाएगा। इसको फटाफट बिल्कुल गोल करते ही रहना है। और यहाँ पे इसी जिप बैग में मैंने इसको अच्छी तरीके से गोल करके फ्रीज़र में रखा है, ना ये फ्रीज़र में रखा हुआ था करीबन 3 से 4 घंटे के लिए। यहाँ पर ये रेडी हो चुका है, इसकी जो साइड से मैं आपको कट करके दिखा रही थी कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए, ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट, आप चाहे तो कोई और भी कलर यूज़ कर सकते हैं, पार्ले बिस्किट का भी बना सकते हैं। और ये बिस्किट क्या है कि ऑलरेडी चॉकलेटी टेस्ट इसमें आता है। और यहाँ पे ये बन के तैयार है स्विस रोल, 3-4 घंटे तो लगते हैं बनने में, बट ट्रस्ट मी खाने में बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के लिए या कोई मेहमान आ जाए घर में, आप ऐसे ही बना करके स्टोर करके फ्रीजर में रख सकते हैं, जैसे कि हमारे फ्रीजर में चॉकलेट्स भी रख सकते हैं, आप इसको इजीली बना करके रख सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।